नमस्कार, आप देख रहे हैं आरफिट न्यूज। खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर शहर के चंद्रलोक चौक स्थित निजी होटल सभागार में निषाद समाज को हर क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले स्वर्गीय रामपुकार सहनी का पुण्यतिथि निषाद संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरपुर के बैनर तले आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अजय निषाद शामिल हुए। इसके साथ ही सभी ने पुष्प अर्पित कर स्वर्गीय रामपुकार सहनी को श्रद्धांजलि दी। आज स्वर्गीय रामपुकार सहनी जी का 8वां पुण्यतिथि चंद्रलोक चौक स्थित इंडिया होटल के सभागार में हम लोग मना रहे हैं। स्वर्गीय रामपुकार सहनी हमारे समाज के आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करके पूरे मुजफ्फरपुर में निषाद ही नहीं अति पिछड़ी जाति को भी संगठित कर इस समाज को, जो पिछड़ा हुआ समाज था, उसको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत किया। और मेहनत का ही परिणाम है कि आज हम लोग राजनीति में आगे बढ़े हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह इस समाज को महत्व दे रहा है। और उनको बहुत बड़ी सपना था कि यह समाज शिक्षा के क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, तमाम क्षेत्रों में विकास करे। तो उनके जो एक सपना था, उस अधूरे सपना को पूरा करने के लिए हम लोग उनके मार्गदर्शन में आगे इस समाज को संगठित करके आगे बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं, प्रयास कर रहे हैं। और हमारा समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। चलिए, परिचय क्या होगा? मेरा नाम महावीर सहनी, अध्यक्ष निषाद संघर्ष मोर्चा। निषाद संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में हम लोग के गार्जियन, शिक्षक संघ के नेता, महान समाजवादी स्वर्गीय राम पुकार सहनी जी के 8वीं पुण्यतिथि का इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे मुजफ्फरपुर जिले के कोने कोने से निषाद भाइयों यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनके पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। रंजीत सहनी, जदयू नेता।